सद मस्ती तारीख सुई मुशा चाचा मिर्जापुर कोशल सिटे से तालत तम उस वही अने नसाले हलालाज तारीख और अहमियत तकली है इस गवत में सो लिफ्ट ना दी देखी बात है भाई ठीक है पूरी टीम मत ठीक और Thank you.
बगरोड के रहने वाले, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है हर गुजरते दिन के साथ उनमें कमी आ रही है, और उनकी फ़रोग की जो काविशें और कोशिशें हैं वो भी उस लेवल की नहीं रही जो कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोकस होना चाहिए था। इसी हवाले से एक छोटा सा प्रोग्राम हमने कहा कि बगरोड से आगाज़ करते हैं, यहाँ की के जो रिच कल्चर को देखते हुए, यहाँ की एक रिच हिस्ट्री है उसको देखते हुए, और यहाँ के जो गयूर रवायती लोग हैं, इज़्ज़त को एहतराम के बुलंद जो खूसियात हैं उनके मालिक लोग हैं, तो उनके दरमियान हमने कहा कि इस प्रोग्राम का इनकार करते हैं, और हमें भी आप लोगों के दरमियान रहते हुए, यहाँ आप लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हुए फख्र महसूस हो रहा है। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे चाचा जो नंबरदार हैं उसने पहले बता दिया कि दशकिन और जो है बगरोड के दादा एक ही हैं, हम एक ही नस्ल के हैं। तो मतलब ये हुआ कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ, आप लोगों की रगों में जो खून जो है गर्दिश कर रहा है वही खून जो है मेरी रगों में भी गर्दिश कर रहा है। हमारी इज्जतें हमारी गैरतें एक हैं, तो यहाँ आके आपके कल्चर को देखते हुए, वही कल्चर हमारा भी कल्चर है और मुमासलत पाई जाती है कम्प्लीट, तो बड़ी खुशी हुई। और ख़ास तौर पर यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो अभी तक जो है न सिर्फ जो है हिस्ट्री जो हमारी जो है जो मैन टू मैन ट्रांसफ़र होती रही है, और रवानी के साथ न सिर्फ जो है यहाँ की कल्चरल जो सॉन्ग्स हैं जो हिस्ट्री को जो है पोर्ट्रे कर रहे होते हैं उनको दोहराया गया हमारे सामने, बल्कि जो है कल्चरल को प्रैक्टिकली जो है ओरिजिनल शेप में पेश किया गया। तो साथ साथ जो है यहाँ के लोग ऐसे हैं कि वो जो है दरियाए सिंह को ही सुला दिया है, तो इनके सामने हम क्या बात कर सकते हैं। तो न सिर्फ इनके इरादे पुख्ता हैं बल्कि इनके अजाइम भी बुलंद हैं, और हमें फख्र है कि आप जैसे जो है बहादुर लोग, गैरतमंद लोग, मेहमान नवाज लोगों के दरमियान न सिर्फ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे HODs भी बैठे हुए हैं और फॉर फ्लंग एरिया से आए हुए लोग भी बैठे हुए हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो गुलज एरिया के नंबरदारान और मुअज्जिज़ीन, इनके हम मशहूर हैं, और यहाँ के नौजवानों की जो तंजीम है जिसने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और हमें यहाँ आने का मौका दिया, हम उनके भी मशहूर हैं। अगर वो ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम के इनेकाद में हमारे साथ शरीक ना होते तो ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं होता। साथ साथ जो है हमारे जो हमने एक नई इंडिजिनस कल्चर और स्पोर्ट्स की फ़रोग के लिए एक तंजीम थोड़ी सी बनाई हुई, छोटी सी तंजीम की फॉर्मेशन भी हमने की है, उसको ख्वाजा अरसलान साहब एक नौजवान कायद हैं वो इसको हेड कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है उनसे कि वो इसको मज़ीद जो है वैलीज में हमें लेके जाएंगे और इसकी प्रमोशन और प्रिजर्वेशन में हमारी मदद करेंगे। और चूँकि यहाँ बैठा हो इमरान बगोर साहब भी बैठे हुए हैं, इसके बारे में क्या बात करें, बात करते हुए हमारी जबान रुक जाती है, क्योंकि जब ये बात करते हैं हमें कहा जाता है कि इसको उठा के जेल में बंद करें, वो इसको उठा के जेल में बंद करने की वो हिम्मत भी हम में नहीं है। तो ऐसे नौजवान भी आप लोगों की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप लोगों की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं जो गैरत से और वतनियत के जज्बे से सरचार है। तो एक तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी, बच्चों को भी, कि एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया और तमाम शायकीन जो है इससे महजूज हुए, और बल्कि न सिर्फ खुद आप लोग ने जो है नाचे बल्कि हमें भी नचाया। अब
इसी प्रोग्राम के साथ साथ हमने कहा था कि क्योंकि पहली दफ़ा आए हुए थे यहाँ, हमारा कोई दौरा नहीं हुआ था, कि हम एक खुली कचहरी का भी इनेकाद करें। मकसद ये था क्योंकि ऐसा कल्चर प्रोग्राम हो तो दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग उसमें शरीक होते। मेरे रईस साहब ने कहा यहाँ 7-8-9 गांव के लोग हैं, कोई 5-6 हज़ार के करीब आबादी है, तो मेरा ख्याल यही है कि हर जो है गांव के लोगों की इसमें शिरकत होगी, नुमाइंदगी होगी। उसी हवाले से हमने कहा कि एक खुली कचहरी का भी इनेकाद किया और तमाम डिपार्टमेंटल हेड जो है यहाँ बैठे हुए हैं, 1-2 की कमी हो सकती है, अदरवाइज सारे बैठे हुए हैं। न सिर्फ हमने कल्चर को फ़रोग देने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, बल्कि जो है आप लोगों के मसाइल को आपके घर के दरवाजे में आके सुनने के लिए हम यहाँ तमाम HODs के साथ आप लोगों के दरमियान आए हुए हैं। ख्याल ये किया जाता है कि DC बहुत बड़ी कोई हस्ती है, वो भी मतलब जो उसके हाथ पांव भी बंधे हुए होते हैं, उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके जो इश्यूज डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे, हम दिन रात मेहनत करके उन इश्यूज की रेजोल्यूशन के लिए कोशिश करेंगे और आपके साथ बैठ के कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आप वो चाचा ने खुद कहा कि जी वो मेरी नस्ल का भी नाम बता दिया, हमारी नस्ल भी एक रही, तो वो जो है अब तो मेरे घर और जो है मेरे ऑफिस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। मेरा ऑफिस आप लोगों का ऑफिस है, मेरा घर भी आप लोगों का घर है। तो इसी हवाले से अगर कोई काम ऐसा हो जो DC के लेवल का नहीं हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल का हो, तो इंशाल्लाह हम जो है सिफारिशात पेश करेंगे। न सिर्फ सिफारिशात पेश करके घर में आराम करेंगे, बल्कि प्रॉपर फोरम्स तक जो है उसको इश्यूज की प्रेजेंटेशन भी होगी, उनकी रेजोल्यूशन के लिए और ड्यू एफर्ट्स भी होंगे। तो इसी हवाले से आप लोग जो है फर्दन जो भी इश्यूज हैं आप बताइएगा, यहाँ डिपार्टमेंटल हेड्स भी बैठे हुए हैं, इंडिविजुअली वो भी जवाब देंगे, और इस पे जो भी हमसे हो सकता है इंशाल्लाह जो है हम जो है उसको जो है करने की कोशिश करेंगे, आपके मसाइल का मदावा करने की कोशिश करेंगे।